मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं और प्रक्रिया भी आगे बढ़ा है, तो वो जल्दी ही आप लोग के बीच आएंगे, हम लोग के बीच आनंद मोहन जी आएंगे, हमारे सामने में ही ये प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ा है। हमारे साथ हैं अभी पूर्व सांसद लवली आनंद। लवली जी, आनंद मोहन पेरोल पर बाहर निकलते हैं, बिटिया की सगाई होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर रिहाई कब? देखिए, इसमें रिहाई वाला में तो आप लोग ने देखा है कि मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ा है। जो टेक्निकल होगा प्रॉब्लम वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उसमें आगे बढ़ा है और हम लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं और प्रक्रिया भी आगे बढ़ा है, तो वो जल्दी ही आप लोग के बीच आएंगे, हम लोग के बीच आनंद मोहन जी आएंगे। और आज तो पेरोल की अवधि जो है समाप्त हो गई है, और साथ ही मुख्यमंत्री जी जैसे मान लीजिए पेरोल जब हुआ तो हम उनको प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी के प्रति, क्योंकि जब आनंद मोहन जी पेरोल में नहीं आते थे, एक बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, और इस तरह से खुशहाली है और सब लोग का सहयोग, सब लोग का कोऑपरेशन रहा और अच्छा से संपन्न हो गया धूमधाम से। और आनंद की भी विदाई कर चुके हैं, एक वो भी एक पल था, अब आप आनंद मोहन को भी एक तरह से विदा ही करें कि फिर वो जा रहे हैं जेल, तो ये कैसा पल होगा? नहीं, हम उम्मीद और भरोसा के साथ इनको विदा कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल हो गया है और प्रक्रिया में है। तो पेरोल का तो अपना एक नियम होता है, 15 दिन के बाद जाना ही होता है, तो ये तो माइंड मेकअप था ना कि इतना में ये आए, क्या हम इसको भूल जाएंगे, क्या ये जो 15 दिन गुजारे और इतना बढ़िया से शादी संपन्न हुआ तो इसको हम कैसे भूलेंगे। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और भरोसा कर रहे हैं, और जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से आनंद मोहन जी बाहर आएंगे। पटना में एक रैली में मुख्यमंत्री के सामने तमाम युवाओं ने आवाज़ लगाया था कि आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो, फिर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया मन से कि आपको पता नहीं है, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए हम उनकी रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। आखिर क्या बात हुई नीतीश कुमार से आपकी? तो हमने आपको बताया कि इस मामले को लेकर जो हमारी मुलाकात हुई तो वो चिंतित हैं और प्रक्रिया के तहत हमारे सामने में ही ये प्रक्रिया के तहत मामला आगे बढ़ा है। एक सवाल यह भी रहेगा कि राजनीतिक सफर में आनंद मोहन अब किधर जाएंगे अगर रिहाई के बाद वापस आते हैं, क्योंकि आप लोग तो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। ये आनंद मोहन जी से संबंधित मामला है, अभी वो फिलहाल जेल में है, और ये मामला जब वो बाहर आएंगे तो आप लोग उनसे पूछिएगा, हमसे संबंधित मामला हमसे पूछिए। बिटिया की सगाई के बाद अब बेटी की सगाई की बात आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए ये लोग चेतन आनंद भी MLA हैं, इसके पिता भी आनंद मोहन जी भी MLA होके ही शादी किए थे, लेकिन जब शादी हुआ तो पहले बहन की शादी चेतन आनंद ने कराया, अब हम लोग सबको मिल करके अब चेतन आनंद की शादी कर सगाई कराएंगे और वो धूमधाम से होगा, बहुत अच्छा से मिठाइयां बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे, और आप लोग से आप कब लोगों है सगाई, का कब है कामना आशीर्वाद भी बटोरेंगे कि वर वधू सुखी रहे, खुश रहे, आप लोग कामना करिए ये भी अच्छा से होगा। कब है तिलक और कब है शादी? ये है 24 अप्रैल को है एंगेजमेंट, और 3 को शादी है, 3 मई को। एक बार फिर से सबका आप स्वागत करेंगे, फिर से न्योता देंगे सबको? बिल्कुल, हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि हम किस तरह से इसको मनाएंगे, किस तरह से लोगों को बुलाएंगे, और आइए सब लोग मिल करके शुभकामना आशीर्वाद दीजिए। कयास लगाया जाए कि इस बार आनंद मोहन रिहाई के साथ वापस आएंगे? बिल्कुल, हम लोग तो कयास लगा रहे हैं, उम्मीद है, भरोसा है, जिस तरह से मामला आगे बढ़ा है मुख्यमंत्री जी का देखे कि सामने में ही प्रक्रिया आगे बढ़ाए, तो भरोसा कर रहे हैं कि होगा जो भी होगा। तो तो देखिए हमारे साथ पूर्व सांसद लवली आनंद, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बेटिया की सगाई के बाद अब बेटी की सगाई की बारी है और बहुत धूमधाम से उसे भी मनाया जाएगा, और यह कयास लगाया जा रहा है, यह उम्मीद है कि अब आनंद मोहन रिहाई के साथ वापस आएंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।